the very hot Lisa Hedden. Lisa, can I ask you something? अगर ये लंबा होता है जो उठाना ही पड़ता है तो पहले क्यों नहीं छोटा बनवा लेती? So why do you punish me like this? You are looking beautiful. सब माफ है, तो 10 कतल माफ है आपको. Thank you. You're looking beautiful yourself. I actually came because you were hosting. How sweet. ऐसे मत बोला करो. गरीब आदमी मर जाता है. इतनी खुली चीजें मिले ना उनको, नहीं बर्दाश्त होता. आप नहीं समझती हमारी प्रॉब्लम. Okay. Shall I give the award away? Yes, please. Okay, and the award for Best Actress in a Drama Series goes to Deepika Singh for Diya Aur Baati Hum. थैंक यू. मेरे जितने भी फैंस हैं जिन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शो के इतने सालों बाद भी मुझे नॉमिनेट किया, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे इतने पॉजिटिव लोग मिले हैं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. भगवान करे आपका दिया जलता रहे, तेल कम ना हो कभी भी. पर आप कहाँ भाग रही, क्या हो रहा है? माहौल ठीक है हिंदुस्तान में, बैठिए आराम से. कई बार जानबूझ के भी करती हैं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें, जानबूझ के बीच में से निकलती हैं. वेरी अक्षय सर, इज ही फाइन? बैठिए, हमें पता है, कोई बात नहीं. टीवी एक्टर्स का काम जो है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है. लाइनें भूल जाता आदमी तुम्हें देख के. टीवी एक्टर्स का काम जो होता है वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लड़कियों के पास तो फिर भी डायलॉग्स होते हैं. लड़के तो कई कई बार दो दो हफ्ते रिएक्शन से काम निकाल लेते हैं. बीच में एक आध लफ्ज आता है, बाबूजी. अच्छा, बाबूजी पे ऐसे रिएक्शन देते हैं जैसे बाबूजी को मां के कपड़ों में देख लिया हो. सो टू प्रेजेंट दिस अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन ए ड्रामा सीरियल, मैं स्टेज पे किसी को नहीं बुलाना चाहूंगा, बिकॉज माय फेवरेट लीजा इज ऑलरेडी देयर. Best actor in a drama series goes to. Where goes? Mohit Raina for Devo K. Oh! Devang Mahadev. Good evening, ladies and gentlemen. I've won many awards for my portrayal of Lord Shiva. But every time I used to wonder when will I get the Guild Award. So definitely this is a special one, a prestigious one. Thank you so much for all. Thank you so much, ladies and gentlemen. मैंने सिर्फ सुना था कि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं हर चीज में पैसा बचाना बखूबी जानते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया. आप कोई भी अवार्ड शो देख लो, उसमें हमेशा दो होस्ट होते हैं. आज ये अवार्ड फंक्शन क्योंकि प्रोड्यूसर्स गिल्ड करवा रही है तो सिर्फ एक ही होस्ट. तो कमाल है. अगर आपने मुझे सुंदर सी को होस्ट दी होती तो शायद मैं 200-400 जेब से भी दे देता, पर नहीं. काश मेरी किस्मत में भी कोई खूबसूरत सी को होस्ट होती, पर क्या करें. हेलो कपिल. हाय, कमाल है. पैसे बचाने की बात की है तो को होस्ट की आवाज भी आने लगी. You know me? Of course I know. She you. Knows me. How are you, Jacqueline? I'm very good, thank I was you. Just missing you. Did 5 you? Minutes back, yeah. ये दुल्हन बनके क्यों आई हो? मेरे ख्याल से उसने ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा ज्यादा नीचे लगा दिया. Kapil, I have a question for you. Yeah, why not? Who is hosting the show tonight? I is नहीं होता. I am होता है. But I'm trying to say that my eye is on you. I'm waiting for you, you know. I was waiting for you long because we both love English. My English is actually better than yours. मतलब better कैसे? It's correct English. Correct English क्या होती है मतलब? I'll teach you. मैं आपको सिखाऊंगी. मैं why not? ठीक है. So if you want to call me next to you, how will you call me? Come here. Oh, not bad. जोर दा तालियां. Come here, sir. If I'm standing here and you want me to stand over there, then what will you tell me?
कम है। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, इतनी खूबसूरत लड़की कहूंगा गो देयर, मेरे को पागल को तो नहीं काटा है। वैसे जैकलिन की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये फिल्में भी इंग्लिश ही करती हैं। रेस टू, मर्डर टू, हाउसफुल टू, आई लव यू टू, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एज यूजुअल। मेरी इंग्लिश इसको समझ में नहीं आएगी, इसकी हिंदी मुझे नहीं आएगी। एक ही लैंग्वेज है जो हम दोनों को एक दूसरे करीब ला सकती है, वो है क्रिकेट की भाषा। तो मैं आपको क्रिकेट की भाषा में बताना चाहता हूं कि मैं आपके प्यार में क्लीन बोल्ड हो चुका हूं, मुझे वर्ल्ड कप समझ के किस कर दो। इंडिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में है, और मैं वहां जाकर उसे किस करूंगी, तुम घर बैठकर और टीवी पे देखना। अच्छा, लोहे की ट्रॉफी को ऑस्ट्रेलिया जाके किस कर देगी? अच्छा वाला हार्ड मास का आदमी यहाँ पे खड़ा, उनको ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाके मैं देखूंगा? यहाँ पे दिन होता, वहाँ पे रात होता, 3-4 बजे उठ के मैच कैसे देखेंगे हम लोग? क्रिकेट के दीवाने हो और टाइम के मिसमैच से डरते हो? मिसमैच से तो मैं डरता हूँ, कोई मिस मेरे साथ मैच खेलने को तैयार तो हो, ऐसा मैच खेलूंगा 2020 को 5 दिन तक ना खेला तो फिर कहना। लेकिन ये मिस तो तुमसे मैच नहीं होगी, क्योंकि ये गेम ही टेस्ट का। टेस्ट का? टेस्ट का। ठीक है, फिर हम लोग अपना काम करते हैं। मेरा मुझे लगता है काम बनने नहीं वाला। काम कर, उसके पेरिस को पारसी कॉलोनी कर दे, जाना पारसी कॉलोनी में करेगा। अच्छा ठीक है, सुन मैं वार्ड में पहुंच गया हूँ, तू बाद में फोन कर। भाई साहब आप कौन है? हेलो, माय सेल्फ प्रोड्यूसर रोहित करण एकता चोपड़ा। भाई साहब आप तो अपने आप में प्रोड्यूसर गिल्ड है, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। नहीं मैं बैठ नहीं सकता। क्यों, इंजेक्शन लगवा के आए? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या है कि मैं एक बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल फिल्म बनाना चाहता हूँ जो कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, कम से कम 500 करोड़ कमाए। 500 करोड़? आप एक काम करो, आप ऋतिक रोशन को साइन कर लो। कहाँ है? अरे अरे ऋतिक सर, क्यों नहीं। अच्छा लेकिन एक बात बताइए जी, ये ऋतिक सर ज्यादा पैसे तो नहीं लेते ना? नहीं ज्यादा नहीं लेते, कभी कभी तरस आ जाए, प्रोड्यूसर को दे भी देते हैं। फालतू का सवाल पूछ रहे हैं, कोई एक्टर बिना पैसे काम क्यों करेगा? और उनकी हाइट देखी आपने? आपको तो कम से कम उनको 2 बार साइन करना पड़ेगा। एक बार यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट अलग बनेगा, ये उसके नीचे वाला अलग बनेगा आपका। ऐसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मुझे 500 करोड़ कमाने हैं, 500 करोड़ लगाने नहीं है भाई साहब, मेरा बजट थोड़ा कम है। बजट कम है? हाँ। आपको देख के लग रहा है आपके माता पिता का बजट भी कम ही था थोड़ा। देखिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसे हीरो हीरोइन को कास्ट कीजिए जिनका आपस में अफेयर चल रहा हो, पब्लिक को देखने में भी इंटरेस्ट होगा और भी मजे आएंगे, और चाहे तो आप वैनिटी भी एक ही दे देना उनको। फैंटास्टिक आइडिया यार, फैंटास्टिक, यही करता हूँ। अच्छा भाई साहब जी, और एक छोटा सा काम कर दीजिए ना जी, देखिए ना कितनी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सेक्सी हीरोइंस बैठी हैं, इनमें से किसी एक को मेरी फिल्म के लिए साइन करवा दो ना यार। आपका दिमाग तो नहीं खराब है, ये पता कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ तक पहुंची हैं? जानता हूँ भाई साहब, जानता हूँ। मैं भी जब आया ना तो मुझे भी ट्रैफिक बहुत मिला, 3-4 मेटल डिटेक्टर से मैं भी गुजरा हूँ भाई। तो अजीब इंसान, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे लगता है ये ढीठ किस्म के प्रोड्यूसर हैं, ये ऐसे मानेंगे नहीं। कौन सी हीरोइन साइन करना चाहते हैं बताइए मुझे? यहाँ पे एक से बढ़ के एक हीरोइन यहाँ पे बैठी हुई है, वो प्रियंका चोपड़ा। ट्राई करने में क्या, प्रियंका चोपड़ा साइन करनी है? वो जिस पेन से साइन करेंगे वो भी आपसे बड़ा होगा, आपको पता है। मैं आपको, हाउ आर यू प्रियंका? हाउ आर यू मैम? नाइस टू मीट यू एवरी टाइम। आप क्यों इतना तैयार हो के आई हैं जी? ये अभी आपने इनको एक डायलॉग बोल के दिखाना है, भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबरी करेगी। भैंस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं करेगी, क्या करेगी? गोबरी करेगी। वाह वाह, फैंटास्टिक, डन डन। मेरा ऑडिशन, गोबर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए थी आपने थोड़ा। पर आपको ये पसंद आई? हाँ पसंद है। सारी दुनिया को पसंद है, आपको अलग है। फोन लाइए, आपको इस सेक्सी अंदाज के लिए आपको ये फोन गिफ्ट दिया जाता है, वर्ल्ड का सबसे सेक्सी फोन, ये चेक कर सकते हैं आप, आपको दिया जाता है। वैसे तो आप इतनी अमीर हैं, अगर नहीं रखना तो मुझे दे दीजिए। थैंक्स कपिल। नो प्रियंका, इट्स फॉर यू ओनली फ्रॉम माय साइड, कीप मिसिंग मी, आई ऑलवेज डू। माय प्लेजर। बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, ये ऑरेंज कलर की ड्रेस नागपुर से बनवाई है आपने? बहुत प्यारी लग रही हैं आप हमेशा की तरह, जीती रहें, खुश रहें, ऐसे ही तरक्की करती रहें। थैंक्स कपिल। थैंक यू प्रियंका। थैंक्स कपिल। कैन आई हैव अ माइक बैक प्लीज? यू आस्क्ड मी फॉर इट कपिल।
ओके प्रोड्यूसर साहब आइए, मैं आपको ये देखिए श्रद्धा कपूर है यहाँ पे, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि एक आपको डायलॉग बोल के सुनाए। श्रद्धा खड़ी होकर बोलना आपको कि अगर मैं सफेद साड़ी पहन के लाल बिंदी लगा के निकलूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगा। बहुत अच्छी ड्रेस पहनी इन्होंने भी, इसलिए तो एम्बुलेंस ना। अगर मैं सफेद साड़ी पहनकर लाल बिंदी लगा लूं तो मां कसम एम्बुलेंस लगूंगी। तो मां कसम एम्बुलेंस। ओहो हॉरर कॉमेडी सुपर। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू। लिजा बैठी हुई है, मेरी को इसकी हिंदी बड़ी अच्छी लगती है। लिजा आपके लिए बड़ा ही शुद्ध हिंदी डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यू शुड ट्राई बेबी, कम ऑन प्लीज, यू शुड ट्राई एट लीस्ट वन। यू गिव मी अ डायलॉग टू से। जिंदगी झंडवा, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। घमंडवा बोल रही है, फिर भी घमंडवा। क्या बात है, एवरीथिंग इज फैंटास्टंडकवा, मतलब जो भी आपने बोला। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। नहीं ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला, ये बोलने की जरूरत नहीं थी। एक बार लीजा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रोड्यूसर साहब आपको मैं एक से बढ़ के एक अभिनेत्री यहाँ पे मिलवाने वाला हूँ। अरे दीपू कहाँ गई, मैं आ नहीं रहा हूँ, पता नहीं खिंचा चला आता, मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। दीपिका आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग है, आप प्लीज खड़े होके बोलना है आपको, बड़ी अच्छी लग रही है, गीले गीले बाल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। फोन मैं आपको दूंगा बकायदा, आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे, मैं अपना दे देता हूँ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपिका आपने बड़ा ही रोमांटिक डायलॉग बोलना है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए। राजू सर प्लीज डायरेक्ट मी। राजू सर आप आ जाइए सर, आजकल पता नहीं सारे आप ही भरोसा कर रहे हैं, आइए। सर डायलॉग बड़ा सिंपल है, मैं तो मेरा प्यार भी बड़ा है दिलों दिल से, तो मैं ज्यादा मुश्किल काम दिया भी नहीं है, तो इतना सा डायलॉग है सर, आप प्लीज इनको बता दीजिए कैसे करना है। ये तो ऐड लग रहा है कोई कोल्ड ड्रिंक का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब का पर्सनल कोल्ड ड्रिंक है जो हमेशा यूज करते हैं। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं, कोई लेमन सोडा नहीं जो थर से खोला और फर से पी गए, और फर से पी गए। इनके मुंह से थर और फर भी इतना रोमांटिक लगता है कि मेरा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और कैसी हैं आप इनके साथ बैठे हुए हैं? क्यों बैठे हुए इतना करीब आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई साहब, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मिनट बताइए आप क्यों बैठे हुए उनके साथ, जनता जवाब जानना चाहती है। काला सूट हमारे पास भी है, हम तो बैठे नहीं। ये लो पहन लो, उतारिए गमत, आपने ड्यू नहीं लगाया हुआ, पहले बताइए आप बैठे क्यों दीपिका के पास। ऐसा क्या किया जो दीपिका ने आपको अपने पास बैठने दिया? आई वॉन्ट नो मैन, आई डोंट नो मैन, इवन आई डोंट नो, तो मैं बैठ सकता हूँ, आ जाइए। अच्छा आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं वो सब गाना गाने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही है। दीपिका आपके मुंह से कभी गाना नहीं, मुझे पता आप नहीं गाएंगी, मैं आपके लिए गाना चाहता हूँ, गाऊं? पोज लो जरा। तेरे बिना जिंदगी से कोई आप ओए हो नहीं करूंगा, आगे गाता नहीं, मैं उनके लिए गाना। शिकवा तो नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट कर रही मुझे, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, आप फिर बैठे हुए मुझे बड़े बुरे कर रहे हैं। फोन दीपिका इसमें फोन तो है ही, मेरा नंबर भी है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई हैव ऑलरेडी स्टोर्ड, मैं तो जब ये असेंबल हो रहा था तभी घुस गया था फैक्ट्री में, मैंने कहा इसमें नंबर डाल के देना। सर पीछे कृति बैठी हुई है, आप उनसे कोई डायलॉग तो नहीं बुलवाना चाहते आप? हाँ बुलवाएंगे ना। कृति आप एक सेकंड आएंगे जरा बाहर, आपको इनको साइन करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। हाँ तो नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, खड़े हो जाते हैं उसमें क्या है। तो कृति आपके सामने खड़ी, आप क्या कुछ बुलवाना चाहते हैं कृति से? जिंदगी क्या है झंडवा फिर भी घमंडवा, बोल दीजिए प्लीज, और इसको रोमांटिक वे में बोलना है आपको, बोलिए प्लीज। आप बहुत दूर है एक्चुअली, मैं मेरे को बोल दीजिए।
जिंदगी झंडवा और रोमांटिक वे में फिर भी घमंडवा जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा थैंक यू कृति थैंक यू अच्छा फिल्म तो आपकी रिलीज हो चुकी अभी भी टाइगर के साथ क्यों घूम रही हैं इसलिए कि टाइगर बहुत कम रह गए दुनिया में ये आपके लिए है वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट फोन फॉर द सेक्सीएस्ट लेडी शुक्रिया जीती रहिए खुश रहिए परी तो मेरी ना बचपन की मतलब फ्रेंड है परी तुम्हें कैसा लगता है जब जब मुझसे मिलती हो तुम्हारे दिल में कुछ ऐसा होता है कि साफ खुल के बताओ कोई गुस्सा नहीं करेगा मुझे गुस्सा अभी भी आ रहा है और हमेशा आता है किस बात पे आता है क्या सब तो ठीक चल रहा है तू ठीक ही कर रहा है यार वापस जा अमृतसर अमृतसर क्यों जाऊं मैं अमृतसर से मैं वापस जाने के लिए आया था खुद तो सारी बहनें इंडस्ट्री में आ गई हमें अमृतसर भेज रही हैं वाह इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए सुनिए भाई साहब जी अरे आप मेरे लिए हीरोइन सिलेक्ट करने आए हैं आपने एंजॉय करने आए मैं यार तो मैं करूँ ना हीरोइन से बोला ना कि मेरे साथ रोमांस करें यार रोमांटिक डायलॉग बोलना है हाँ दुबे जी थप्पड़ मारूंगा दुबे का चौबे हो जाएगा चलिए भागी